7 साल पहले जो शहर था वो अब नहीं रहा। शहर अपने आप में बहुत काफ़ी बड़ा हो चुका है। हट जाएगा। रही बात डेवलपमेंट की, MLA गणेश गुप्ता साहब ने 3-4 ऐसे बड़े डेवलपमेंट लाए हैं शहर के अंदर। एक तो मच्छी मार्केट जो बकरा मार्केट थी अपनी, वहाँ पर 6.5 करोड़ की लागत से एक कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाएगा। जो लोग तालीमी इदारों के अंदर माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल जो असद बाबा नगर के आगे धर्मपुरी के आगे जो है वहाँ बनाया जा रहा है, वो काम मुकम्मल हो चुका है। वगैरह पे भी कमेंट करते हैं कि क्या तरक्की हुई है अखिलेश इलाके में, क्या है वो कब्रिस्तान की दीवार हो या फिर गांधी चौक का नेहरू पार्क का सर्किल हो, उस वो काम भी काफ़ी वक्त से अधूरे हैं। हुआ ये कि कोविड की तरफ से जो लेबरर्स जो काम करते हैं, वो जो लेबरर्स काम करते हैं, तो उन्होंने वापस अपने शहर या अपने गाँव वापस चले गए। तो वापस आने के बाद में उनका अपना काम जो है शुरू हो जाएगा। वो इंशाल्लाह 2-4 महीने के अंदर कब्रिस्तान की दीवार का भी काम, ऑलरेडी उसका सैंक्शन है, उसका हर चीज़ हो चुकी है, तो वो काम तो हो जाएगा। वो ब्रिज के भी काम काफ़ी वक्त से तातुल का शिकार है, काफ़ी तरीके से वहाँ पर आवाम ने एहतजाज भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम में एक तजस्सुम बरकरार है कि आखिर ब्रिज का काम किस वक्त शुरू होगा। आदाब नाजरीन, मैं जिशान रजवी गुज़िश्ता 7 साल से TRS की खिदमात से हर कोई वाकिफ़ है। जहाँ पर पहले दहे में कई काम अंजाम दिए गए थे, और अब ज़िले में जहाँ पर कई तरक्याती काम ज़ेर अल्तवा है, यहाँ पर 20 तारीख को रियासती वज़ीर आला KCR साहब की आमद के तहत अहदेदार काफ़ी फुर्ती में नज़र आ रहे हैं। वहीं पर ज़िले में कई तरक्याती काम मुकम्मल हो चुके हैं, जिस तरह से ज़िले कलेक्टर दफ्तर हो या फिर कामारडी में ज़िले कलेक्टर दफ्तर वो SP ऑफिस हो। आज हमारे साथ तो गुज़िश्ता 7 सालों में ज़िले में TRS रुकन असेंबली बिगाला गणेश गुप्ता व मुतहदा ज़िले MLC कलवाकुंडा कविता की क़यादत में जो तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं, चाहे वो अखिलेती इलाके में हो या फिर ज़िले के मुख्तलिफ हिस्सों में, इनके ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ TRS की जानी मानी शख्सियत वो TRS अखिलेती सेल सदर इमरान शहजाद मौजूद हैं। हम इनसे मुख्तलिफ उमूर पर बात करेंगे ताकि अवाम को वाकिफ हो सके कि इस हुकूमत ने इन अपने 2 दहों में क्या खिदमत अंजाम दी और अवाम इससे आज तक भी किस तरह से इस्तेफादा हासिल करेंगे। हमारे इस प्रोग्राम में हम इनका इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जिशान साहब। अगले 2-4 दिनों के अंदर CM साहब की निज़ामबाद में आमद है, नए कलेक्ट्रेट की जो इब्तदा होने वाली है वो अपने आप में एक गैर मामूली इकदाम है, क्योंकि कलेक्ट्रेट वो चीज़ होती है जहाँ पर सारे इंतज़ामिया ज़िले के जो है वहीं पर मौजूद होते हैं। अब तक लोग गांवों से आते थे, अजला से, आसपास के देहातों से आते थे, एक ऑफिस जो है कहीं और होता था, एक ऑफिस कहीं और होता था, तो अब सारे ऑफिस जो है एक बिल्डिंग में रहेंगे और लोगों को अपने मुश्किलात या अपने कामों के लिए जो है आसानी होगी। और दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरह कलेक्ट्रेट बनाया गया, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है और बहुत ज़्यादा जो है बड़ी जगह पर, और लोगों के लिए बहुत आसानी से जो है वहाँ पर जाकर अपने कामों को जो है जो भी मुश्किलात को है उसको हल करने के लिए एक बेहतरीन जो है इकदाम TRS गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया। तो आइए हम जानते हैं इनकी ज़ुबानी के गुज़िश्ता 7 सालों में निज़ामाबाद में क्या तब्दीली आई है। 7 साल पहले जो शहर था वो अब नहीं रहा। शहर अपने आप में बहुत काफ़ी बड़ा हो चुका है। आप माइनॉरिटी एरिया के अंदर अगर देखेंगे तो अरसापल्ली तक ही जो है शहर महदूद था। शहर काफ़ी बढ़ चुका है और काम भी, आबादी भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब से TRS हुकूमत आई है तब से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ज़रूरती जो ज़िंदगी के जो ज़रूरत चीज़ें हैं, जैसा कि रोड और ड्रेन और लाइट, आप देखते थे करंट का जो आलम था पहले, थोड़ी सी बारिश में जो है लाइट चली जाती थी, रास्ते बड़े ख़राब थे। आज मेरे नज़रों में 80% से ज़्यादा जो है आबादियों के अंदर सड़कें जो है अच्छी से बन चुकी है और ड्रेन सिस्टम भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। एक छोटा सा हमको प्रॉब्लम है अहमदपुरा कॉलोनी का, जो पानी का जो ड्रेन का सिस्टम है उसको भी बड़ी कलवट डाल दिया गया है, वो भी इंशाल्लाह जो है आइंदा बारिशों में जो है उसका भी हल निकल जाएगा, उसका भी जो है ड्रेनेज का प्रॉब्लम हट जाएगा। रही बात डेवलपमेंट की, MLA गणेश गुप्ता साहब ने
तीन चार ऐसे बड़े डेवलपमेंट लाए हैं शहर के अंदर। एक तो मच्छी मार्केट जो बकरा मार्केट थी अपनी, वहाँ पर 6.5 करोड़ की लागत से एक कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाएगा, जो लोग फुटपाथ पे बैठ के एन्जॉयमेंट करके या फिर खुद ओनर्स भी रह के बाहर दुकान डालते थे, अब ऐसा नहीं रहेगा। एकदम हाइजीन, एकदम जो है साफ़ सुथरा जगह पे अपना काम कारोबार कर सकेंगे लोग। वो लोगों के लिए एक बेहतरीन कॉम्प्लेक्स जो है बनाया गया है। तालीमी इदारों के अंदर माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल जो असद बाबा नगर के आगे धर्मपुरी के आगे जो है वहाँ पर बनाया जा रहा है, काम मुकम्मल हो चुका है उसका भी, और बहुत जल्द उसकी भी जो है इब्तदा होगी। कलेक्ट्रेट का तो अपने आप में एक कारनामा है, एक बहुत बड़ी इमारत और बहुत आसानी लोगों के लिए जो रखी गई है उसके अंदर, के हर ऑफिस जो है, हर इदारा जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लोगों के लिए जो मुश्किलात है, जो देहातों से लोग आते हैं उनके लिए जो है कामों के लिए आसानी होगी। तो दीगर कई काम हैं जो फ़क्तन फ़क्तन जो है याद आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं जो शटरकारी हुई है, जो सेंट्रल लाइटिंग्स हुई है, जो बीच में डिवाइडर्स लगाए गए हैं, बहुत सी चीज़ें जो है अपने आप में बहुत अच्छा है। शहर खूबसूरत लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह शहर अब माशाल्लाह पहले से लाख दर्जे बेहतर है। ये तो बात सही है कि शहर में काफ़ी हद तक तब्दीलियाँ आई हैं। जहाँ एक दफ्तर एक मुकाम पे होता तो उसके 2 किलोमीटर के बाद शायद दूसरा दफ्तर हुआ करता था, लेकिन जो मॉडर्न कलेक्ट्रेट का क़याम अमल में लाया गया है, इसके तहत कई इदारे, सबों इदारे सिर्फ एक इमारत में होंगे, जिसके सबब अवाम के मसाइल को हल करने में काफ़ी आसानी होगी। तो दूसरी जानिब शहर में दाखिल होते ही एक खुशनुमा मंज़र नज़र आने के लिए काफ़ी शजरकारी की गई है शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में। और आप अगर रात के वक्त शहर का जायज़ा लेंगे तो काफ़ी खूबसूरत मंज़र आएगा, क्योंकि सेंट्रल लाइटिंग में जो LEDs के तहत खूबसूरत बनाया गया है, जिसका मंज़र देखते ही बनता है। इसी तरह अखलेती इलाके में बकरा मार्केट, जो माजी में बकरा मार्केट था, उस इलाके में तकरीबन 120 मलियों पर मुश्तमिल मल्टी कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जो बल्दिया की तरफ से बनाया जा रहा है, जिसके ख़याम के बाद अखलेती इलाके में रोज़गार के मौक़े व तिजारत के मौक़ों में काफ़ी इजाफा होगा, जिससे यहाँ पर नौजवानों को काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे पास ऐसे भी कई सवाल आए हैं कि कई लोग फेसबुक वगैरह पे भी कमेंट करते हैं कि क्या तरक्की हुई है अखलेती इलाके में, आज भी कब्रिस्तान की दीवार जो पहले तो भी अच्छी दिखती थी, लेकिन आज अधूरे काम के सबब क्या है वो कब्रिस्तान की दीवार हो या फिर गांधी चौक का नेहरू पार्क का सर्किल हो, उस वो काम भी काफ़ी वक्त से अधूरे हैं। तो इस जानिब आप क्या कहें? 2018 में असेंबली इलेक्शन हुए, 2018 के टाइम पे उसको जो है कब्रिस्तान की दीवार को जो है काम अंजाम दिया गया। उसके फौरी बाद एक साल के बाद जो है ये COVID-19 का एक साल तक तो काम चला उसका, 2019 के आखिर तक वो दीवार मुकम्मल हुई। जैसा कलेक्ट्रेट जो अपना कलेक्ट्रेट ग्राउंड है, जो अपना कोर्ट का जो बाउंड्री वॉल है, उसी तरह से जो है इसको बनाने का डिज़ाइन बनाया गया। हुआ ये कि कोविड की तरफ से जो लेबरर्स जो काम करते हैं, वो जो लेबरर्स काम करते हैं, तो उन्होंने वापस अपने शहर या अपने गांव वापस चले गए। तो वापस आने के बाद में उनका अपना काम जो है शुरू हो जाएगा, वो इंशाल्लाह 2-4 महीने के अंदर कब्रिस्तान की दीवार का भी काम, ऑलरेडी उसका सैंक्शन है, उसका हर चीज़ हो चुकी है, तो वो काम तो हो जाएगा। नेहरू पार्क के अंदर फाउंटेन के लिए भी सैंक्शन है, यही कोविड की तरफ से कहो या फिर लेबर से कमी की तरफ से कहो, तो उसको काम जो होल्ड पे है वो भी काम इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक काफ़ी अहम मसला है बौंसा पहाड़ी ब्रिज का, वो ब्रिज के भी काम काफ़ी वक्त से तातुल का शिकार है, काफ़ी तरीके से वहाँ पर आवाम ने एहतजाज भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम में एक तजस्सुस बरकरार है कि आखिर ब्रिज का काम किस वक्त शुरू होगा। अच्छा मौजू बताया आपने ब्रिज का, मैंने आवाम से पहले भी आपके ज़रिए से 2-3 बार ये बात मैंने आवाम तक पहुँचाई है, आज भी कहूँगा। ये जो ब्रिज है प्रांजिता चवेला के प्रोजेक्ट में आता है, इसका ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है। दिक्कत ये है कि उनको रोड भी बनानी है और ब्रिजेस दो बनाने हैं, तो 461 घर जो है गैर मजाजी तरीके से वहाँ पर है या बोल के इस तरह का मानना है चवेला हुकूमत का, मगर जब तक वो लोगों को सब्स्टिट्यूट नहीं देंगे, जब तक वो लोगों को कहीं और नहीं बसाएंगे, तब तक ये काम ऐसे ही रुकेगा। और 2 दिन पहले कुछ आए थे वो लोग, यही मसला चल रहा है, बहुत जल्द वो लोगों को कहीं शिफ्ट करके वो रोड के साथ साथ ये ब्रिज का भी काम जो है अंजाम दिया जाएगा। तो
जहाँ पर ये रूमर्स है कि अखिलेश इलाके में जो काम है वो काम की रफ्तार काफ़ी सुस्त है, लेकिन वाज़े रहे कि जो लेबर्स है जो स्टोन वर्क करते हैं वो लेबर्स यहाँ के नहीं है, दूसरे अजला या रियासतों से आते हैं जो इस काम में माहिर रहते हैं। लेकिन लॉकडाउन के सबब गुज़श्ता 2 साल से जहाँ पूरी दुनिया जहाँ का वहाँ रुकी हुई है, ये तरक्याती काम भी वहीं पर रुके हुए हैं। इसी तरह जो बौंसा पहाड़ी का ब्रिज है उसके काम भी तकरीबन हद तक मुकम्मल हो चुके हैं, तकरीबन डेयरी फार्म तक आ चुके हैं, और थोड़ा सा फासला है जहाँ पर लीगल इश्यूज़ में ये अभी पेंडिंग है। वहाँ पर हुकूमत ने भी ये तयखुन दिया गया है जिन लोगों के मकानात आ रहे हैं उन लोगों को सब्टीट्यूट दिया जाएगा, मुतबादिल फराहम करने के बाद ही काम शुरू होगा। कबल में भी इसके प्लान को इससे चेंज किया गया था जो मौजूदा हालत में है, उस प्लान को चेंज करते हुए कम से कम अफराद को नुकसान हुए ऐसा हुकूमत ने मनसूबाबंदी की थी। सर ये भी है कि हुकूमत अखिलियती इलाकों में पहले किस तरह का माहौल था, यानी कि बुनियादी सहूलियात के हिसाब से, और अब आप क्या तब्दील? 5 साल पहले की बात देखेंगे तो आपको बावा सा पहाड़ी ब्रिज के आगे से रास्ता ही नहीं था, कच्ची सड़क थी। आपको अलहमदिल्ला आपको डबल बेडरूम हॉल तक जो है डामर रोड बनाई गई। वैसे जो है आपको MLA साहब जो अपना किले का तालाब है उसको जो है बेहतरीन तरीके से मिनी टैंक बॉन्ड को जो है उसको खूबसूरती में लाया गया, लोगों को सुबह में वॉकिंग के लिए तफरी के लिए अपने सेहत के लिए लोग जो है सुबह में वॉकिंग कर सकते हैं, एक बेहतरीन जो है एटमॉस्फेयर आपको वहाँ मिलता है जाने के लिए। अब आप देखिए बोधन रोड एक ही रोड जो है बनी हुई थी पहले, बीच में पतली सी एक डिवाइडर छोटी सी, लोग उधर से इधर भी आते थे इधर से उधर भी चले जाते थे। अब एक आपको ट्रैफिक लाइन बराबर है, बीच में डिवाइडर्स डाले, आपको सड़क खड़ी की है, हर गली में डामर रोड बन रहे हैं, जहाँ छोटी गली है वहाँ पे CC रोड बन रहे हैं। आपको नालियों का मसला, एक दो बड़े मसले आज भी है नालियों के, ड्रेन के जो पानी के निकासी के जो पुराने मामले रुके हुए हैं वो आज भी रुके हुए हैं, उसको जो है हम आपस में बैठ के भी हल कर सकते हैं या फिर उसको कोई नया तरतीब से निकाल सकते हैं, जैसा कि अवैध कॉलोनी का जो पानी का निकासी का मसला है। बाकी सब काम तो अपने आप में जो है तरतीब से हो ही रहे हैं। 7 साल पहले का निज़ामाबाद कुछ और था, 7 साल बाद का निज़ामाबाद बहुत बहुत तब्दील हुआ है, बहुत माशाल्लाह अच्छा हुआ है। वक्त के साथ TRS हुकूमत की क़यादत में निज़ामाबाद में काफ़ी तब्दीली आई हैं, लेकिन इन तब्दीलियों के बावजूद भी बाज़ अवामी हलकों में यानी कि सोशल मीडिया पर एक सर्कुलेशन होता है कि इस बार यानी कि गुज़श्ता 5 साल तो हुकूमत ने अक़लियतों को काफ़ी सपोर्ट करा, लेकिन इस दहे में सरकारी अहदों पर या फिर नामजद पोस्टों पर अक़लियतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। गुज़श्ता चंद दिन कबल भी कई पोस्ट दिए गए जो वाइस चांसलर्स के रहे या फिर दिगर रहे उनमें भी अक़लियतों को नज़रअंदाज किया गया। इस बार पिछले 5 साल 2014 से 2018 के बीच में कई नॉमिनेशन पोस्ट माइनॉरिटी तबके को जो है दिए गए हैं। सेकेंड टर्म में जो है वबा के चलते पोस्टों को जो है रोका गया, इंशाल्लाह कई पोस्ट जो है वेकेंट है, बहुत जल्द जो है उसके भी ऐलानात होंगे। हमको उम्मीद है KCR साहब से और पार्टी से हमारे गणेश गुप्ता साहब से बहुत जल्द जो है फिलअप किया जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि TRS दौरे हुकूमत में काफ़ी तब्दीलियां आई हैं, काफ़ी मजबूत तब्दीलियां आई हैं, आवाम को कई नाराज़गियां भी रही हैं जिनके ताल्लुक से आज TRS अखिलेती सदर इमरान शहजाद ने बड़े ही दो टोक अंदाज में जवाबदेही दी। कई आवाम के हलकों आवामी हलकों में कई गलतफहमियां भी थी जिसको इन्होंने दूर किया, लेकिन आवाम का एक काम है कि हर वक्त अपने मसाइल को रिप्रेजेंट करें ताकि वो हल हो सके। कई बार होता ये है कि हमारे ही हलकों में मसाइल को डिस्कस करते हैं ना कि अपने कायदीन तक ले जाते हैं, यही वजह रहती है कि कई बार ये मसाइल हल होने से खासिर हो जाते हैं। और अब जो हालात हैं काफ़ी तब्दील हो चुके हैं, जहां पर कबल में काफ़ी निज़ामाबाद काफ़ी पिछड़ गया था, इस बार इन 7 सालों में काफ़ी तब्दीलियां आई हैं, काफ़ी मजबूत तब्दीलियां आई हैं, कायदीन भी बदले हैं, हालात भी बदले हैं, आवाम को भी बदलने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं ज़िशान रज़वी कैमरामैन इमरान के साथ।